इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच जोरदार बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज गरज के साथ तेज बारिश हुई है और आगे 2 से 3 दिनों में बारिश हो सकती है, यह अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। साथ ही ओले गिरने की भी संभावना है। अगले एक हफ्ते तक ठंड और बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया। तो वही मनाली में बर्फबारी में 500 पर्यटक फंसे, जिनका रेस्क्यू किया गया है। बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त शीतलहर का प्रकोप, यूपी हरियाणा में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 जनवरी यानी कि आज बारिश होने की संभावना जताई और इसी कड़ी में आज दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में एक तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लगातार शीतलहर का प्रकोप है और इस बीच जोरदार बारिश हुई है जिसके बाद ठंड में और इजाफा हो गया है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार, इसके संकेत दिए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच अधिकतर इलाकों में बारिश हो सकती है, साथ ही ओले गिरने की भी संभावना है। तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो वहीं दिल्ली में आज सुबह बारिश हुई है, जबकि बादल छाए रहने की उम्मीद भी न्यूनतम तापमान को और घटा सकती है।